अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड, आप देख रहे हैं लाहौर कला वर्ल्ड और मैं हूं आपका अपना एमबी सलीम। तो ये देखें जी, काली मुर्गी, काला गोश्त, इसको मैं भून रहा हूं बड़ा और ये मचा रहा है शोर। ठीक है, तो ये जो ना माशाल्लाह काफ़ी महंगा मुर्गा आता है और ये देखेंगे बिल्कुल काला गोश्त है इसका। ये देखें बिल्कुल काला गोश्त है इसका। और इसका जो तरीकाकार ये मैंने किया कि लहसुन अदरक प्याज और चार पांच टमाटर बड़े बड़े और साथ में मैंने काली मिर्च, गरम मसाला, हल्दी और नमक, थोड़ी सी कलवंजी, ये सब चीज़ें मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के तो इसका पेस्ट बना लिया था। पेस्ट बना के उसको पहले अच्छी तरह पेस्ट को पकाया। पेस्ट को पकाने के बाद जो है ना, जब अच्छी तरह भुन गया तो फिर उसे मैंने डिवाइड कर दिया। ये देखें, साथ ये है, साथ ये भी है, एक वक्त में दोनों तैयार हो रहे हैं। तो जैसे इसका मैंने फिर डिवाइड कर दिया तो फिर इसमें ये जो मुर्गा था इसको मैंने पहले कुकर में डाल के तो इसको मैंने थोड़ा गला लिया था कि टेंडर हो जाए और ताकि ये वैसे रखा हो तो ये तो कम से कम तो 3-4 घंटे ले जाता, फिर आम रूटीन में गलता ही है। तो अभी ये जो ना गल चुका है और तकरीबन तैयारी के करीब है। ये देखें, इसका जो ना पानी वगैरह खुशक हो चुका है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी, ये देखें, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको भूनूंगा और ताकि इसको मैं अच्छी तरह जो ना इसको मैं तड़पाऊँगा और जितना ये तड़पेगा उतना ही मज़ेदार होगा। और अगर पानी नहीं डालेंगे तो मसाला जल जाएगा नीचे, तो फिर वो ये देखिए, मुझे भी इसकी खांसी आ रही है इसकी वजह से, तो जल जाएगा तो फिर जाएगा मज़ेदार बनने की बजाय जो ना वो ख़तरनाक बन जाएगा फिर। तो ये माशाल्लाह तैयारी के करीब है, तो इसको मैं अभी 5 मिनट इसको मैं और इसको जो ना इसका भुन भनिया करूँगा तो फिर आपको मैं इसको डिश आउट करके मैं दिखाता हूँ। फिर ये देखो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये देखो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है अभी, और मैंने बस हल्का सा इसमें पानी डाला था ताकि थोड़ा सा इतना हो जाए कि बस नवाले को भी लग जाए, नहीं तो बिल्कुल सूखा सूखा थी। वैसे तो बूटियाँ बना खा लेता है लेकिन नवाला भी तर होना चाहिए। तो मैं इसको अब डिश में निकालने लगा आपके लिए। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सज्जनों के सज्जनियों, ये मैंने इसको तैयार कर लिया, डिश आउट कर लिया। आप जल्दी जल्दी से आ जाओ और बैठ के मज़े से खाते हैं इसको, और बड़ा ही मज़ेदार और सेहत के लिए समझें ये सोना है, सोना गोल्ड, खाओ जान बनाओ। तो ये है जी मेरी आज की स्पेशल डिश, अयाम शमाली। ये माशाल्लाह 47,000 का मैंने लिया था एक साल पहले, काफ़ी पीस लिए थे लेकिन अभी कुछ हैं पड़े हुए, तो जब दिल करता है इसको पकड़ते हैं, ज़िबा कर लेते हैं, अंडे भी खा लेते हैं और अंडे सेल भी हो जाते हैं। तकरीबन एक अंडा जो है 1200 का, 1500 का, कोई बेवा और तो मुस्तक हों तो उन्हें मैं 1000 का भी एक दे देता हूँ। तो माशाल्लाह तो जब खाना हो तो ये दिल के मरीज़, शुगर, जिगर, हार्ट और बहुत सारी बेशुमार बीमारियों का ये इलाज है, ऑटोमेटिक इलाज है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएँ और सच्चे सच्चे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और इजाज़त दें। दुआ में याद रखें, अल्लाह आपको भी खुश खुर्रम रखे, अपनी नेमतें नवाजे और हर किस्म की दीनी दुनी दौलत से मालामाल करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।